सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर वर्ड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स के बारे में, जिन्हें कि आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग के इस सीन में हम देख सकते हैं ग्रैंड मास्टर की शिप को यहाँ से जाते हुए। इस शिप को हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा था, और थॉर रैग्नारॉक का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा कनेक्टेड था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से। इन्फिनिटी वॉर में जब ऑब्सीडियन और एबोनिमो टाइम स्टोन को लेने के लिए आते हैं, और वहाँ पे जब टोनी मार्क 50 में अपना सूट अप करता है, तो हम देख सकते हैं कि टोनी का नैनो टेक सूट उसकी ग्लासेस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है इस सीन में, जैसे कि हम देख ही सकते हैं। मार्वल की मूवीज़ में हमने देखा है कि ग्रूट हमेशा एक गेम खेलता रहता है, बट क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि वो कौन सा गेम खेलता रहता है? वेल, अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रूट हमेशा कौन सा गेम खेलता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रूट 80s के टाइम का एक आर्केड गेम खेलता रहता है जिसका नाम है डिफेंडर्स। इस सीन में हम मेंटिस को एक असली मेंटिस की तरह प्रे करते हुए देख सकते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब गमोरा और थैनोस की फाइट होती है, और जब गमोरा थैनोस पर अटैक करती है, तब हम देख सकते हैं कि जिस वेपन से वो अटैक करती है उस पर कोई भी ब्लड वगैरह नहीं लगा होता है, जिससे कि हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि एक फेक रियलिटी है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब टाइटन पर थैनोस और आयरन मैन की फाइट होती है, तो हम इस सीन में देख सकते हैं कि टोनी के आर्मर में यहाँ पे एक वेपन होता है, जैसे कि इस सीन के एकदम बाद आयरन मैन यूज़ करता है थैनोस पे अटैक करने के लिए। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है, और जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करता है डॉक्टर स्ट्रेंज असली डॉक्टर स्ट्रेंज को पहचानने के लिए, तो अब हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सोल उसके बॉडी से कुछ सेकेंड्स के लिए निकल जाता है। इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ऑब्सीडियन का एक हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से आगे वकांडा बैटल में वो हमें एक प्रोथेस्टिक हैंड के साथ नज़र आता है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी एक कार ड्राइव कर रहे होते हैं, जो कि है इन्फिनिटी QX50। और शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मूवी का नाम भी इन्फिनिटी वॉर है और उस कार का नाम भी इन्फिनिटी है। सो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।